प्यारे मित्रों, अभी सोशल साइट पर एक ट्रेंड चल रहा है, जीवन मांगे आयांश। इस अभियान को लोग बहुत फेक भी समझ रहे हैं, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये बच्चा सिर्फ 10 महीना का है, बिहार के रहने वाले हैं, और ये एक भयानक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रॉफी नाम की बीमारी से ग्रसित हैं। इस बीमारी में वो बच्चा जो है वो अपना सारा नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर दिया है, और इस बीमारी में जो नर्व सेल होता है जिसको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं, वो उसके स्पाइनल कॉर्ड में कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और खासकर इस बीमारी में क्या होता है कि कोई भी आदमी जितना कम उम्र का होता है, खासकर आयान सिर्फ 10 महीने के ही हैं, और जितना कम उम्र होता है उतना उसके फंक्शन में, उसके कोशिका पर, उसके नर्व सेल पर, उसके मोटर न्यूरॉन्स पर उतना ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या होता है कि उस बच्चे के जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उसका मूवमेंट जो है, उसका सेंट्रल लोकेशन जो होता है उसके बॉडी का, वो कंप्लीट इम्पैक्ट हो जाता है। मतलब उस पर काफ़ी जो है ना उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। बच्चे जो है ना उतना काफ़ी जो है ना मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। उसके बॉडी के जो सेंट्रल पार्ट्स होते हैं, जो सारे नर्व सेल से जो कनेक्टेड होते हैं, वो इंटरप्ट हो जाते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये बीमारी एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी महंगा एक बीमारी का ट्रीटमेंट है, और अभी देखते होंगे कि इसको ठीक करने के लिए एक जैसे 16 करोड़ की एक इंजेक्शन की ज़रूरत है। तो कोई भी जो मिडिल फैमिली के जो लोग होते हैं शायद वो इतनी मोटी रकम के अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सब समाज के लोग अगर थोड़ा थोड़ा करके उस बच्चे के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तो शायद उस बच्चे की ज़िंदगी बच जाए, और ये हमारी मानवता के लिए बहुत अच्छे होंगे और उस बच्चे का जीवन बच जाएंगे।